अधिकारियों की लापरवाही के कारण गोदाम में सड़ रहा है सैकड़ों बोरा नमक। अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों को मिलने वाली सैकड़ों बोरा नमक सिल्ली प्रखंड परिसर स्थित एक खंडर नुमा गोदाम में पड़ा हुआ है। गरीबों को बांटने के लिए सिल्ली के प्रखंड कार्यालय परिसर में रखे गए इन नमक की बोरियों को पिछले कई वर्षों से गरीबों के बीच बांटा नहीं गया है। आलम यह है कि यह नमक किसी काम का नहीं रहा। सवाल यह उठता है कि आखिर जिम्मेदार लोगों पर इस तरह की लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी। इससे पूर्व भी सिल्ली के गोदाम में चीनी चावल सड़ने का मामला प्रकाशित हो चुका है, परंतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दबदबा इतना है कि शिकायत के बावजूद भी दोषियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं खराब हो रहे नमक के विषय में पूछे जाने पर बीएसओ रविंद्र बड़ाइक ने बताया, नमक कब से गोदाम में पड़ा है यह मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे संज्ञान में आया है तो इस पर जांच अवश्य होगा। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। अच्छा सर, ये कुछ नमक की बर्बादी हो रही है आपका ये ब्लॉक प्रखंड में, ये सिल्ली ब्लॉक के प्रांगण में, तो ये नमक मतलब इतनी भारी मात्रा में है कि देखने से लगता है कि कई ट्रकों का ये जगह है, ये है नमक, ये गरीबों को देने वाला नमक हो सकता है, हो तो ये क्यों नहीं दिया गया है? ये जो नमक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 3-4 साल पुराना नमक है और इसका क्वालिटी में ख़राब था, जिसके कारण सप्लाई करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है और इसको वितरण करने पर बैन किया हुआ है, तो इसलिए ये नमक जो है ये इसी तरह भी पड़ा हुआ है। ये कब तक यहाँ से हटेगा? ये गोदाम जो कैप्चर किया हुआ है नमक बहुत सारा ये है, वो गोदाम हमारा नया गोदाम है, सारा जो है कि खाद्यान्न वहीं रखा जाता है, उस समय नया गोदाम नहीं बनी थी, जगह की कमी थी तो पुराने भवन में रखा हुआ था, तो वो सप्लाई करने योग्य नहीं है और उसको वितरण करने का भी अनुमति नहीं है। ये मामला कितने सालों का है जो नमक पड़ा है? ये 3-4 साल पहले का है एग्जैक्टली। ये किन लोगों को देना था ये नमक? कार्डधारियों को देना था, लेकिन नमक में खराबी था, उसके बाद ये बैन हो गया, उसके बाद दूसरा नमक दिया गया।